शंकी, अरे खड़े खड़े देख कह रहे हो, जाओ आरती की थाल लेकर आओ, साक्षात देवी जी आई है। शंकी, what are you doing? भाभी प्लीज आप ऐसे मेरा ड्रामा मत कीजिए, अदरवाइज आई विल लीव। कायरा से मिले बिना चली जाओगी? तुम अपना पुराना ईगो भूलकर दीवान मेंशन आई हो, इससे ज्यादा मुझे और क्या चाहिए? बताए, तुम्हें यहां देख के कायरा का चेहरा बहुत खिल जाएगा। वरुण, ये एंगेजमेंट रिंग डालते ही ना तुम्हारी लाइफ का टिकटॉक शुरू हो जाएगा। अच्छा वरुण, तुम्हें जितना एंजॉय करना ना अभी कर लो, क्योंकि एक बार तुम्हारी शादी हो गई ना तो सारी एंजॉयमेंट खत्म। You're insulting me. अब पेनल्टी है कि तुम्हें मुझे अपना क्रेडिट कार्ड देना होगा। भाई वरुण सोच लो, मैं और रूबल ना लाइव एग्जांपल है ये शादी के नाम की कलामिटी का। अभी भी एंगेजमेंट से भागना है ना तो भाग लो। Well, मुझे लगता है कि पहले ये रस्म हम लोग पूरी कर लेते हैं, उसके बाद वी ऑल कैन हैव लॉट्स ऑफ फन, राइट? ओके, या विक्रम इज राइट। बाबूजी प्लीज आप जाइए और रस्म पूरी कीजिए। लेकिन बेटा, ओहो बाबूजी, अब डैडी जी की तरह नखरे में दिखाइए, जाइए। और वैसे हम भी कायरा को धनराज गिर फैमिली में वेलकम करना चाहेंगे। अमृता, दादाजी, अगर आप सब लोगों को एतराज ना हो तो क्या हम कायरा को अपने परिवार का हिस्सा बना सकते हैं? जरूर बेटा, लो। भाई वरुण सोच लो, बीबी जिंदगी भर की उम्र कैद हो जाएगी। आदि, सब लोग आपके जैसे नहीं होते हैं, वरुण को वैसा मत बनाइए। अच्छा ठीक है, तुम दोनों की जजमेंट बाद में देख लेंगे, पहले वरुण प्लीज गो अहेड। I'm sorry, वो एक्चुअली मैं रिंग ना गाड़ी में ही भूल आया। मैं बस एक मिनट में लेके आता हूँ। अरे लेकिन खुद जाने की क्या जरूरत थी,
किसी से मंगवा लेता ना। बिल्कुल नहीं शीला जी, गलती वरुण ने की है तो उसने अपने केयरलेसनेस की वजह से गाड़ी में रिंग छोड़ी है, तो रिंग तो वरुण को ही लेके आनी पड़ेगी। और वैसे भी अगर अपनी गलती से सीखेगा नहीं तो आगे कैसे पढ़ेगा। वरुण क्या हो गया? अभी मैं ये सगाई नहीं करना चाहता। अभी जब मैं कायरा से प्यार ही नहीं करता तो उससे शादी कैसे कर सकता हूँ? और फिर कायरा, शी सच अ नाइस गर्ल, और उसके साथ अगर अनफेयर होगा तो ठीक नहीं होगा ना भाभी। वरुण तुम क्यों इतना सोच रहे हो? कोई किसी के साथ अनफेयर नहीं कर रहा। और देखो वरुण, बात जहाँ तक प्यार की है वो धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा भाभी एक बात बताइए, क्या आप भैया से प्यार करती हैं? वरुण ये कैसा सवाल है? अच्छा चलो छोड़ो, ये बताइए कि क्या भैया आपसे प्यार करते हैं? वरुण ये सब क्या हो रहा है? अमृता ये लड़का तो सब कुछ चौपट करवाएगा ही, लेकिन मैंने तुमसे दो बार चेक करने को कहा था, दो बार। Now what the hell happened? विक्रम जी, और तुम चेहरे पे मुस्कुराहट हमेशा रखना वरना। जी भैया। अब यहाँ पे खड़े हुए क्या कर रहे हो? यहाँ पे तुम्हें लेने बारात नहीं आने वाली। गेट मूविंग, कम ऑन, चलो। All sorted. कोई बात नहीं बेटा, ऐसे मौके पर अक्सर लोग घबरा जाते हैं। चलो अंगूठी पहना दो। Yes, Mr. Singh. हाँ, मिसेस कुमार, धनराज गिर की हाईलाइन बिल्डर्स के साथ डील तो हुई है, पर ये श्योरिटी नहीं है कि ये डील आश्रम के लिए ही हो। What? मिस्टर सिंह, मैं इस आधी इंफॉर्मेशन का क्या करूंगी? एंगेजमेंट ट्रंक गाड़ी में भूल कैसे सकते हो? अगर दीवान से कुछ पूछ लिया होता तो। एक्चुअली वो रिंग का बॉक्स गलती से कार में छूट गया था, आप जाने दीजिए ना। जाने दो, एंगेजमेंट रिंग नहीं बल्कि धनराज के सपनों की चाबी है। जाने दीजिए। बट भैया प्लीज, आई थिंक हमें और एक बार सोच लेना चाहिए, बिकॉज इससे कायरा की भी लाइफ स्पॉइल हो सकती है। यू नो व्हाट वरुण, तुम बड़ों की तरह बातें करना बंद करो और चुपचाप जाके कायरा के साथ खड़े जाओ, समझे? और हाँ, अगली बार मुझे तुम्हें मुस्कुराने के लिए कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए।
ओके जी भैया। बेटा ये समय ऐसी बात करने का तो नहीं है, लेकिन पता नहीं क्यों मुझे वरुण बड़ा दबा दबा सा लग रहा है। मतलब ये कि बेटा वो इस शादी के लिए तैयार है ना, क्योंकि सगाई में पूरी तरह वो कभी भी मैंने उसे मन से मुस्कुराते नहीं देखा बेटा। आई होप तुम कायरा को खुश रखोगे। जो एक्सपेक्टेशंस हमें धनराज गिर से है उसे लेट डाउन नहीं करोगे। ऑफकोर्स अवंतिका जी, आपकी हर एक्सपेक्टेशन को हम लोग पूरा करेंगे। आफ्टर ऑल आप सबने हम सबके लिए कितना कुछ नहीं किया, एंड आई एम श्योर फ्यूचर में भी करते रहेंगे। नहीं वरुण, आर यू रेडी फॉर द मैरिज? आदि, ये कैसा सवाल है? बड़ा सिंपल सा सवाल है, जवाब भी सिंपल है, हाँ या ना। क्या तुम्हें शादी के लिए तैयार हो? Yes, of course. और आज का खाना कैसा लगा? It was nice. I liked it. It was nice, right? अरे तो खुल के बोलो ना यार। देखा तारा जी, ये आजकल की जनरेशन की प्रॉब्लम है, खुल के नहीं बोलते यार। वरुण, डोंट बी हेजिटेंट, नहीं तो हमारे घर वालों को लगेगा कि तुम शादी के लिए तैयार नहीं हो। बिल्कुल बेटा, जब तक दामाद ससुराल वालों की नाक में दम नहीं करता तो लगता ही नहीं कि घर में बेटी की शादी हो रही है। एक्चुअली क्या है ना कि बचपन में डैड और बड़े होने के बाद अपने बड़े भाई के प्रोडक्शन में रहा वरुण, तो शायद यही वजह है कि बाहर वालों के साथ ज्यादा घुल मिल के बात नहीं कर पाता। पर यकीन मानिए, जब देवर और भाभी घर में मिलते हैं ना तो नाक में दम कर ही देते हैं। Really? वरुण और बदमाशी? I would want to see that side of yours, huh? Guys, excuse me. मैं भी आपसे मिलता हूँ। Excuse me. Don't you like something? Say it. बोल देना जी। अवंतिका जी? Yes, Mr. धनराज की. You need something. ये आप कैसी बात कर रही हैं? मुझे इससे ज्यादा और क्या चाहिए कि इवांस का रिश्ता धनराज की उसके साथ हुआ है। और लेकिन आप तो कर जैसी बात है, यू नो दोनों फैमिलीज के सुख दुख अब तो एक ही है ना अवंतिका जी? मिस्टर धनराजगिर, आई रियली हैव समथिंग इंपॉर्टेंट टू डू। वो एक्चुअली मैं आपसे सिर्फ इतना कहने आया था कि मेरी वजह से आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, और अगर पहले हुई है तो उसके लिए मैं तहे दिल से माफी मांगता हूँ। मुझे माफ कर दीजिए अवंतिका जी, प्लीज, आई एम सॉरी। एक्सक्यूज मी। मानना तो आपको पड़ेगा अवंतिका जी, आज नहीं तो कल। You know, आदि रूबल और अनुज भी ने धनराजगिर का बैकग्राउंड चेक करके ही रिश्ता तय किया, बट ये विक्रम जरूरत से ज्यादा ही वेल स्पोकन। आई डोंट नो, लेट्स सी। अरे विक्रम बाबू, हमारे डीएम साहब जो है ना कुल्लू की बहुत बड़ी हस्ती है, आपको बिजनेस में कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हो आप बेझिझक जो है मुझे फोन कर दीजिएगा, मैं डीएम साहब से डिस्कस करके आपकी प्रॉब्लम यूं चुटकियों में सॉल्व करवा दूंगा। थैंक यू। और सुनिए, ये मत समझिएगा कि मैं पंखुड़ी का मामा हूँ। अरे भाई, दीवान परिवार में सभी लोग ऐसे घुले मिले हुए हैं कि कौन किसका मामा है किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। गोवर्धन बाबू, क्या प्रवचन दे रहे हैं विक्रम जी को? अरे बाबू जी, मैं इन्हें कहाँ प्रवचन दे रहा हूँ, ये तो खुद ही इतनी बड़ी शख्सियत है। ये तो सही कहा आपने, बुरा मत मानना बेटा, लेकिन इंसान का कद उसकी सोच उसके कर्मों से बढ़ता है। पैसे की वजह से कमाई गई इज्जत शोहरत तो पैसे के साथ ही चली जाती है, लेकिन इंसान जो नाम कमाता है ना बेटा, वो उसके मरने के बाद भी अमर रहता है। वैसे बात आपने बिल्कुल ठीक कही दादाजी, अब देखिए ना पैसों का क्या है, आज है कल नहीं है, और इसीलिए जब पैसे हो तो
उन्हें दिल खोल के खर्चा करना चाहिए, खुद के लिए भी और दूसरों को तोहफे देने के लिए। मैं आप लोगों से मिलता हूँ, एक्सक्यूज मी। शांकी काका, मेरा भी खाना आप कायरा के साथ ही लगाना। फाइन बिटिया। पंखुड़ी मुझे नहीं खाना। अच्छा, तो तुम कहो तो वरुण को बुला लूं। I'm really happy for you. Chocolates? तुमने मांगे थे, right? Chocolates? पंखुड़ी, सॉरी। एक मिनट, मेरी बहू को कुछ मत कहना हा? इसने जो कुछ भी किया मेरे कहने पर किया। अरे वो सब छोड़ो ना, आओ ना, चलो खाना खा, आओ। भाभी मैं खा लूंगी, भाभी I'm not a kid, you take care, okay? मिठाई भी खा लेना। सुबह से मौसम बड़ा ठंडा था ना, अब गर्म हो रहा है। मतलब वरुण का? So Varun, tell me, which car would you want? नहीं, मेरे पास तो हाँ हाँ पता है, धनराज जी इसके पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं, पर वरुण हम दीवान्स भी अपनी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट तुमको देना चाहते हैं। क्या? चलो जुड़िए, पर एक बात, तो मेरी सिस्टर कायरा को हमेशा खुश रहे। और हाँ, अगर तुम्हें कोई टिप्स चाहिए, so you know who's the right person to get in touch with. टिप्स? और आप वरुण, अगर इन्होंने टिप्स देना शुरू किया ना, तो तुम और कायरा सिर्फ सोशल गैदरिंग्स और पार्टीज में मिलोगे फॉर श्योर। लुक हु इज टॉकिंग हियर, मैडम, इस बात की आप कंप्लेंट कर रही हैं। एग्जैक्टली, मैं कंप्लेंट कर रही हूँ, लेकिन कोई फायदा थोड़ी ना हुआ है, राइट? देखो, एक बात मेरी याद रखो, बीवी को खुश कैसे रखते इसकी टिप तो तुम मुझसे जरूर लेना, बट हाँ, बीवी की इतनी बातें सुनने के बाद भी तुम खुश कैसे रहो ना, इसके टिप भी तुम मुझसे जरूर लेना, ओके? जीजा जी, आप अभी के अभी वापस आ जाइए। आपको मालूम है अंबिका नाराज होकर ना कुछ खा रही है ना कुछ पी रही है। क्या 20,000 के टिकट है? नहीं नहीं जीजा जी, 20,000 रुपए से हमारी अंबिका की हंसी ज्यादा थोड़ी ना है। क्या कारोबार का नुकसान हो जाएगा? अब चाहे कारोबार का नुकसान हो जाए जीजा जी, लेकिन आपको अभी के अभी बस वापस आ जाना पड़ेगा। अब वापस आ जाइए बस। अरे नहीं नहीं भाभी, ये क्या कर रही है आप? फोन रख दीजिए, उन्हें क्यों परेशान कर रही है? उन्हें कहिए कि अपना सारा काम आराम से खत्म करके आ जाए। अच्छा, तो फिर ये लो, फोन रख दिया। वैसे चिंता मत करो अंबिका, जीजा जी अपना काम करके ही वापस आएंगे। मैंने फोन लगाया ही नहीं था, मैं तो ऐसे ही बात कर रही थी। क्योंकि मैं अच्छी तरह से जानती हूँ ना कि हमारी अंबिका है तो आखिर पंखुड़ी की मम्मी ना, खुद से पहले लोगों के बारे में सोचेगी। ए, पंखुड़ी, 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 सुनाई नहीं दे रहा है क्या? कैसे गला फाड़ फाड़ के चिल्ला रहा हूँ मैं? सॉरी, वो मुझे सुनाई नहीं दिया। बोलिए, क्या काम है? ओए, तूने अकड़ किस बात की? हाँ तो आप भी दिखाइए, किसी ने मना किया है क्या? इतना नया एटीट्यूड जो है ना, कहाँ से है? कहीं मेरे प्यार का असर तो नहीं है? आपके प्यार के लिए मेरे पास टाइम ही कहाँ है, ये तो प्यार का दर्द है। प्यार का दर्द है मीठा मीठा, प्यारा प्यारा मीठा मीठा, प्यारा प्यारा ये हंसी दर्द ही, ये हंसी दर्द ही, दो दिलों का है सहारा, दो दिलों का। Thank you.
के मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।